बद्री एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर भागते भागते एक स्कूल के अंदर घुस गया। बद्री ने चोर को स्कूल में हर जगह ढूंढा, लाइब्रेरी में, ग्राउंड में, वॉशरूम में, लेकिन चोर कहीं नहीं मिला। पास में एक क्लास चल रही थी। बद्री चेक करने के लिए क्लास में गया। वहां चोर मिल गया। कैसे कैसे समझा बद्री को चोर कौन है? क्या आप लोग बता सकते हो? ए बी सी डी में से क्या आप बता सकते हो चोर कौन है? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। ए सी डी के पास बैग है और बुक्स भी है। बी के पास कुछ भी नहीं है, मतलब वो ऐसे ही आके क्लासरूम में बैठ गया है, मतलब वो ही चोर है। बद्री उसे पकड़ लेता है। इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अमायरा अपना फूड ऑर्डर करके वॉशरूम चली जाती है। जब वो वॉशरूम से वापस आती है तो देखती है कि उसके पर्स में से पैसे चोरी हो गए हैं। वेटर कहती है, एक टैटू वाली लेडी ने चुराए हैं। वो सेकंड फ्लोर पे गई है। दोनों सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, लेकिन वहाँ तो तीन मैन होते हैं। तो फ्रेंड्स, लेडी कहाँ गई? क्या आप बता सकते हो वो लेडी कहाँ छुपी हो सकती है? ध्यान से देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। ये एक वुमन का पर्स है और ये तीनों तो मैन है। और ये पर्स में देखिए हेयर दिख रहे हैं। ये आदमी नकली हेयर लगा के लड़की बनके चोरियां करता है और फिर आदमी बनके छुप जाता है। पर्स में चेक करते हैं तो पैसे भी मिल जाते हैं। क्या आप लोग चोर को ढूंढ पाए थे? मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगली पहेली देखते हैं। यहाँ पे बन्नी 20 दिन तक बिना सोए लगातार चलता रहता है, कैसे? क्या आप लोग बता सकते हो? आपका आंसर मुझे फटाफट कमेंट कीजिए। ये तो बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे बन्नी दिन में चलता था और रात को सोता था। मैंने कहा 20 दिनों तक चलता रहा। क्या आप लोग भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे? मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। फ्रेंड्स, आपके सामने एक भूतिया बंगलो आया है जिसमें से कुछ भूत बाहर निकलेंगे। टोटल कितने भूत बाहर निकलते हैं वो आप लोगों को काउंट करना है। तो ध्यान से देखिए कि कितने भूत बाहर आए। तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने सारे भूतों को देख के काउंट किया? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल भूतिया बंगलों में से 10 भूत बाहर आए। आप लोगों ने सही आंसर दिया था? मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। फ्रेंड्स, आपके सामने एक भूतिया हवेली आई है। उस पे टोटल कितने कद्दू गिरते हैं वो आप लोगों को गिनने हैं। ध्यान से देखिए। यहाँ पे टोटल 19 कद्दू गिरे। क्या आप लोग सारे गिन पाए थे? अगर हाँ तो बहुत ही बढ़िया है। इसी बात पे वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके सामने दूसरा एक पिक्चर आया है जिसमें कुछ गलत है जो आप लोगों को ढूंढना है। ध्यान से देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। यहाँ पे ये गलत है।
क्या आप लोग ये ढूंढ पाए थे? मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ केले गिरेंगे, वो आप लोगों को काउंट करने हैं। यहाँ पे टोटल 20 केले गिरे, क्या आप लोग भी इसका सही आंसर दे पाए थे? अगर आपके गलत आंसर आ रहे हैं, तो आप केले नहीं केले के छिलके भी गिन रहे हो। तो ध्यान से देखिए, केले के साथ केले के छिलके भी गिर रहे हैं, तो अच्छे से काउंट कीजिए। यहाँ पे टोटल 26 केले गिरे, क्या आप लोग भी इसका सही आंसर दे पाए थे? यहाँ पे टोटल 16 केले गिरे, क्या आप लोग ये काउंट कर पाए थे? मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। ये अकेले इस लकड़ी को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला गिर गया, दूसरा गिर गया और ये तीसरा भी गिर गया, लेकिन जब साथ में लेके गए तो आराम से पार कर लिया। तो मुझे बताइए, इनमें से मूर्ख कौन था? ये पहले तीन और ये दूसरे तीन, सोचिए और सोच के आपका आंसर मुझे फटाफट कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। ऑब्वियसली अकेले काम करने वाले, एकजुट होके काम करने वाले को सफलता जल्दी मिलती है। समझे फ्रेंड्स?